नमस्कार। आज हम हीलिंग के बारे में बात करेंगे इस ज्ञान संहिता के इस एपिसोड में। मुझे कई प्रश्न आते रहते हैं लोगों के कि गुरुजी कैसे हीलिंग वर्क करती है, हाउ द हीलिंग वर्क एंड हाउ पर्सन कैन बी बेनिफिटेड। यहाँ पर हम हमारा इंटेलेक्ट यूज करते हैं, बुद्धि। बुद्धि का काम ये कि वो उसको वही एक्सेप्ट करती है जो उसको जितना मालूम रहता है। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि हीलिंग के दौरान कई लोगों को अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, तो कई लोग जो इसको एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो आज मैं उनसे बात करने आया हूं। कई लोग ये कहते हैं, इट्स ए कार्मिक एक्सचेंज, आप गुरुजी फ्री में क्यों कर रहे हो। इन सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं आपको आज आपकी बीच आया हूं। देखिए, पहले तो हीलिंग एनर्जी क्या है, मैं बड़े प्रायोगिक भाषा में बात करता हूं आपसे। आप ये जानते हैं, श्वास लेना बहुत जरूरी है। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि श्वास को देख पाते हैं आप? बुद्धि कितनी, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं इस घटना को या इस क्रम को? नहीं, हम एक विश्वास के साथ है कि भाई हम जो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, कुछ हवा जा रही है अंदर, कुछ हवा आ रही है। एक हवा नाम दिया हमने, उसको हमने देखा है न जाना है। हम एक आम इंसान की बात करें, मैं वैज्ञानिकों की बात नहीं करता। तो एक आम इंसान के बारे में बात करूं कि हीलिंग वह अनुभव है जो जिस प्रकार ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगी तभी आपको एहसास होगा। ठंडी हवा आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये एक अनुभव की चीज है। ये अनुभव हम जैसे हीलर्स हैं, जैसे हमको कुछ हीलिंग से नवाजा ऊपर वाले ने, तो इसमें हम चाहेंगे ऐड करना ये कि इसमें हम आपकी हीलिंग आपके माध्यम से ही करते हैं। कोई मेरे पास शक्ति का भंडार है, कोई ऐसा कुछ नहीं। हम परकाया प्रवेश के हिसाब से आप में ही जाकर आपकी शक्ति को जगाकर आपके इसको मारते हैं। डिवाइन सोर्स एनर्जी हवा में, ऑक्सीजन, जो उसको ऑक्सीजन बोलो, हवा बोलो, पूरे ब्रह्मांड में अविरत बह रही है। बस हम जिस प्रकार आप मंदिर में जाकर किसी एक मूर्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके पूजा भगवान का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी आपके उस समस्या पर कॉन्सेंट्रेट करके आपके माध्यम से ही आपको हील करते हैं। क्योंकि आप लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हो, आपको अपने अंदर की दुनिया जब भी समझ में आती है, जब आपको कोई तकलीफ होती है या परेशानी होती है, तो आप चाहें तो आप भी अपने आप को हील कर सकते हैं। कैसे? जस्ट आप अपने आप को विश्वास करें, लंबी गहरी श्वास लें, और जहां पर आपको तकलीफ हो रही है वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएं और प्रार्थना करें। जिसको मानते हैं, जिस शक्ति को आप मानते हैं, वो गणेश जी हो या गणपति हो या शिव हो, जो भी अचर्च हो, जीसस, जो भी हो, मान के आप करें। मेरा पूरा विश्वास है आपकी वो तकलीफ शने शने दूर हो जाएगी। जहां तक रही बात कार्मिक एक्सचेंज की, एक व्यक्ति ने हमसे कहा, भैया गुरु जी आप लोगों का दर्द हरते हैं, तो लोगों की नेगेटिविटी आप अपने ऊपर लेते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता, और आपको कर्मास आपके खराब नहीं होते जब आप दूसरों के कर्मास लेते हैं, बेट कर्मास। तो ये हमने एक प्रश्न किया, अगर आपको कोई दर्द होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दर्द हो, तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको एक दवाई लिख के देता है, आपका दर्द बुखार चले जाता है, तो क्या डॉक्टर को उसका कार्मिक आपके बुखार तकलीफ आपको दूर करने का अधिकार, वो सजा मिलेगी या कार्मिक एक्शन होगा? नहीं, उसने एक विद्या सीखी है जिसके माध्यम से आपसे कुछ शुल्क लेकर आपकी बीमारी का उपचार करता है। हम हमारे बारे में बात करें, हमने कुछ विद्या सीखी नहीं है, हमें ऊपर ने डिवाइन ने ऑलरेडी ब्लेस किया है, और हम अपनी आवश्यकताओं से परिपूर्ण है। हमारी जो भी आवश्यकता है
भगवान की कृपा और आप लोगों की ब्लेसिंग से हमारी पूर्ण है, तो हम किसी की तकलीफ परेशानी को दूर करने का कोई शुल्क नहीं ले सकते। बस शुल्क हमारा एक ही है, आपका विश्वास और आपकी मुस्कान। जब चाहे जब आप मुझे फोन करते हैं, फोन कर सकते हैं हीलिंग के लिए और मैं आपको हीलिंग दूंगा। बस मुझे आपका केवल दो चीज चाहिए, एक आपका विश्वास और एक आपकी मुस्कान। और अभी शायद गुरुवार से हर एवरी थर्सडे, नॉट एवरी सैटरडे, एज पर इंडियन टाइम 9:30 आई स्टार्टेड टेकिंग हीलिंग सेशन ऑन माय साइट krishnaguruji.com एंड आई रिसीव द टेस्टिमनीज दैट पीपल आर बेनिफिटेड मोर एंड मोर बिकॉज दे गेट सम सेटिस्फेक्शन, उनको संतुष्टि मिलती है कि जो व्यक्ति हमको हील कर रहा है हम उसको देख पा रहे हैं। तो आप चाहें तो शनिवार को मेरी साइट विजिट कर सकते हैं। आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें और सदा मुस्कुराते रहें। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।